So, students I am going to proceed my previous topic uh, that is uh, the relation between the internal resistance terminal potential difference and the EMF of a cell so as you all know that the relation between the EMF of a cell the terminal potential difference and the potential difference is this E is equal to V plus IR which we have already studied in the last lecture already तो यहाँ से हम एक चीज देखते हैं कि वैन वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस आर देन इट इज़ द नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल ओके द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस आर दैट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल एंड इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टर देन दैट इज इक्वल टू आई इन टू आर ठीक है आई इज द करंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग और सॉल्विंग द एक्सप्रेशन वी कंक्लूड दैट small r which is the internal resistance that is equal to e minus v upon v into r where e is the emf of a cell v is the potential terminal potential and r is the resistance in the external circuit okay these three are very important formulas which we are going to use in our numericals ठीक है तो आप इस पे बेस्ड जो है वो न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस करेंगे ठीक है सो हियर इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट द emf of a cell is 1.5 volt

internal resistance of the cell okay so you have to calculate the r so in this numerical e is given r is given and v is also given and if you want to calculate the internal resistance then we know the formula of calculating the internal resistance that is equal to e minus v by b into r now in this numerical you have to simply put the values of e v and r so by putting the values of e v and r we find out the small r which is equal to 0.1 ohm ठीक है वेरी सिंपल नोमरिकल जो है तो आ नेक्स्ट नोमेरिकल इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इज़ वन पॉइंट एट वोल्ट वैन अ करंट ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एम्पेयर इज ड्रॉन फ्रॉम इट तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बोला है तो ई एम एफ भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है लेकिन बहुत बेसिक से डिफरेंस होता है ई एम एफ ऑफ ए सेल हम तब लेते हैं वैन द करंट इन द सर्किट इज़ ज़ीरो और वैन द सर्किट इज़ ओपन तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज नोन एज ई एम एफ वैन द सर्किट इज क्लोज एंड देर इज अ करंट इन द सर्किट दें द पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट ई एम एफ दैन दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल सो इन दिस केस द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर सो दिस वन पॉइंट एट वोल्ट इज द टर्मिनल पोटेंशियल ओके सो आपका जो है जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो वन पॉइंट एट वोल्ट जो है वो आपका टर्मिनल पोटेंशियल आएगा यानी कि वी से रिप्रेजेंट करोगे द पोटेंशियल डिफरेंस फॉल टू वन पॉइंट सिक्स बोला उसी सेल का पोटेंशियल जो है डिफरेंस जो है वो ड्रॉप हो गया पोटेंशियल डिफरेंस वन पॉइंट एट से वन पॉइंट सिक्स वोल्ट हो गया जब आपका करंट वन पॉइंट जीरो एमपेयर इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ओके सो फाइंड द ई एम एफ ऑफ द सेल एंड द इंटर रजिस्टेंस ऑफ द सेल इन दिस केस सेल वो ही लगा हुआ है लेकिन जब आपका जीरो पॉइंट फाइव एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो आपका वी की वैल्यू वन पॉइंट एट है और जब आपका करंट वन हो जाएगा तो आपकी Uh, v की वैल्यू 1.6 है तो आपको E निकालना तो ई एम एफ तो सेम ही होगा क्योंकि सेल आपका सेम ही है तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पे मैंने लिखा है इफ I इज इक्वल टू जीरो जीरो पॉइंट फाइव तो V की वैल्यू आपके पास गिवन है आपको ई एम एफ निकालनी है तो आई एम यूजिंग द फॉमुला इज इक्वल टू आई आर प्लस वी वेयर आई आर इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटर रेजिस्टेंस एंड वी इज द टर्मिनल पोटेंशियल सो इन दिस केस आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड वी ओके विच इज़ गिवन एंड द सेकेंड पार्ट द करंट इज़ वन वैन करंट इज़ वन एम्पेयर देन द टर्मिनल पोटेंशियल इज़ वन पॉइंट सिक्स और आपने फिर से यही इक्वेशन यूज़ की तो आपके पास आएगा ई इज़ इक्वल टू आई जो आपका वन इन टू आर आ जाएगा वी की वैल्यू वन पॉइंट सिक्स so, सो यहाँ दो इक्वेशंस में आपको ई e की वैल्यूज निकालनी है और आर निकालना है तो ये आपके पास दो इक्वेशन बनी तो यहाँ पर हम इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करके ये आपके पास क्या हो जाएगा सेब है तो कैंसल आउट हो जाएगा तो वन पॉइंट सिक्स ये जीरो आ जाएगा माइनस उसको तो जब हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर ओम आ जाएगा एंड इन दिस केस वेन यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ आर पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इधर कोई भी क्वेश्चन में डाल दो फर्स्ट में डाल दो या सेकेंड में डाल दो तो आपके पास इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स प्लस मैंने यहां पे डाली है ठीक है कौन सी इक्वेशन में डाली है आपकी ये वाली जो इक्वेशन है ठीक है इक्वेशन नंबर सेकंड में मैंने यूज़ किया, सेकेंड मेंिक्स प्लस जीरो पॉइंट फोर तो आपके पास ई एम एफ ऑफ ए सेल भी आ जाएगा ठीक है ये आपके पास सिंपल से है कोई डिफिकल्ट है तो इस तरह के आपने प्रैक्टिस करने है ठीक है नेक्स्ट आता है आपके पास न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एक तो आप करेंगे ये वाले सम ई एम एफ वाले एक आएगा आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि रेजिस्टेंस जो है वो चार पैरामीटर्स में डिपेंड करता है लेंथ पे एरिया पे टेम्परेचर पे और मटेरियल पे और जो रेजिस्टिविटी होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है नेचर पे और टेम्परेचर पे ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे डिपेंड करती है ठीक है तो आपने इसके सम करने हैं तो आपको पता है कि एक मेरे पास वायर है मान लो उसका इनिशियल एरिया ए है और इनिशियल लेंथ उसकी एल है अब आपने इस वायर का वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इन लेंथ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वायर अब आपने क्या किया उस वायर को स्ट्रेच किया जब आप स्ट्रेच करोगे तो वायर की लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी लेकिन लेंथ तो इंक्रीज़ हो जाएगी इस वायर की तो एरिया भी तो क्या हो जाएगा वायर थिन नहीं हो जाएगी जब आप उसकी लेंथ खींचोगे लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन उसका वायर जो थिन होगी यानी कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो जब भी हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ इंक्रीज़ करेगी लेकिन इसके साथ साथ अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो लेंथ जो वो छोटी होगी लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो हम ये देखते हैं इनिशियल वॉल्यूम इसके पास ए इंटू एल है और मान लीजिए बाद में जब आपने उसको स्ट्रेच किया तो उसका फाइनल वॉल्यूम आ गया ए डैश एल डैश ओके तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम वायर को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो अगर उसका लेंथ बढ़ती है तो उतना ही सेम अमाउंट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है जैसे लेंथ बढ़ी तो एरिया क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा अगर लेंथ कम हुई तो एरिया क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा सेम ही रहेगा ठीक है जैसे यहाँ पे है मेरे पास वैल्यू तो मान लीजिए ये मेरे पास टू इन टू फाइव है ठीक है एरिया मेरे पास टू है लेंथ मेरे पास फाइव है तो प्रोडक्ट उसका टेन है जब उसका आपने क्या किया ये क्या बोला मैंने टू और लेंथ उसकी फाइव है अब आपने उसको खींचा या कंप्रेस किया तो जब आप मैंने कंप्रेस किया तो मैंने ये देखा इसकी शुरू में टू थी इसकी फ़ाइव थी कंप्रेस करने पे उसकी लेंथ मानो टू होगी तो उसका जो एरिया वो कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो हमेशा क्या रहता है सेम रहता है इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम जो है अगर लेंथ बढ़ा है तो एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा एरिया अगर इंक्रीज होगा तो लेंथ क्या होगी डिक्रीज होगी तो आपस में प्रोपोर्शन में रहते हैं वो तो वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन सेम वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है उस पर ठीक है तो आपके पास ये क्वेश्चन बनती है इनिशियल वॉल्यूम दैट इज़ ए ए एल दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं ए डैश और एल डैश बराबर आएगा ठीक है थीके? इसका यूज़ करके हमने चलना है तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन दिया अ वायर ऑफ टेन ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेस टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ वॉट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी एंड न्यू रेजिस्टेंस टेन ओम जो उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस है और आपने उसको क्या किया स्ट्रेच किया ठीक है कितना स्ट्रेच किया कि उसकी लेंथ जो है ओरिजिनल लेंथ जो है वो थ्री टाइम्स बढ़ गई ठीक है नई लेंथ जो पुरानी वाले के थ्री टाइम्स जो वो इंक्रीज होगी तो उसकी नई रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होगी अब वायर तो एक ही आप उसको क्या कर रहे हो सिर्फ स्ट्रेच कर रहे हो तो आप उसकी लेंथ चेंज कर रहे हो लेंथ चेंज करोगे तो एरिया भी चेंज होगा लेकिन जब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की तो ना तो ये लेंथ पर डिपेंड करती है ना ये एरिया पर डिपेंड करती है ये सिर्फ मटीरियल की बात पर मटीरियल पर डिपेंड करती है तो वायर तो वही है वायर के अंदर अगर आपने पहले इनिशियल स्टेज देखी तो वायर के अंदर अगर कॉपर है जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो भी वायर के अंदर कॉपर ही रहेगा तो लेंथ और एरिया के चेंज होने पर रजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो इट विल रिमेन सेम क्योंकि मटेरियल जो है वो दोनों केसेस में सेम ही है तो रेजिस्टिविटी कैसे आएगी सेम आएगी अब आपने नई रेजिस्टेंस निकालनी है तो आपको पहले पुरानी लिखनी है तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए लेट एल इज़ द इनिशियल लेंथ एंड ए इज़ द इनिशियल एरिया ओके सो आर आपके पास गिवन है टेन ओम रो एल बाय ए दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर वन ठीक है नाउ इन द न्यूमेरिकल द न्यू लेंथ इज गिवन विच इज़ थ्री टाइम्स मोर एज कंपेयर टू द इनिशियल लेंथ तो जो नई लेंथ है जिसको मैंने एल डैश लिखा ये थ्री इंटू एल मतलब पुरानी वाली लेंथ के थ्री टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी अब अगर लेंथ आप तीन गुना बढ़ा रहे हो तो एरिया पे भी तो फर्क पड़ेगा अब आपने क्या चीज़ निकालनी है एरिया निकालना है तो आपके पास गिवन है कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम रिमेन सेम सेम रहते हैं तो आपने लिखा इनिशियल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम यहाँ से आपके पास ए डैश निकालना है ये तो हमने गिवन है कंसिडर किया है कि पुराना ए है और लेंथ जो है वो एल है यहाँ से मेरे पास ए डैश वैसे रखा एल डैश की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ से मुझे नया एरिया निकालना है तो नया एरिया इज इक्वल टू ए एल अपॉन थ्री एल एल के साथ आपका एल कैंसिल आउट हो जाएगा यू विल गेट ए बाई थ्री यानी कि नई लेंथ थ्री एल है अगर लेंथ थ्री टाइम्स बढ़ेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्री टाइम्स ही क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा ठीक है तो देखो अगर पुराना वाला आप लेंथ और एरिया का प्रोडक्ट देखोगे तो वो आपके पास एल इंटू ए था ठीक है पुराना वाला जो था इनिशियल वॉल्यूम जो था वो एल इंटू ए था अब जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या आएगा थ्री एल इंटू ए बाई थ्री तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो अगेन आपके पास ए इंटू एल ही आएगा ठीक है तो वॉल्यूम हमेशा कैसा रहता है सेम रहता है इन केसेस में तो यहाँ पे जितना लेंथ बढ़ा उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो गया अब नई रेजिस्टेंस निकालेंगे मटेरियल तो सेम ही है वायर सेम है तो रेजिस्टिविटी फर्स्ट केस में यानी कि यहाँ पे अगर आपने रो लिखी है तो यहाँ पे भी क्या आएगी रो ही आएगी नई लेंथ नया एरिया तो आपने एल डैश और ए डैश की वैल्यूज यहाँ पुट करनी है यहाँ पे थ्री इंटू थ्री नाइन मैंने सेपरेट कर दिया है रो एल बाय ए सेपरेट आ गया मेरे पास ठीक है तो रो एल बाय ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन जो आपके पास प्रीवियस इक्वेशन है ये वाली कितनी वैल्यू उसके पास 10 बस वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है ठीक है तो आपके पास नई रेजिस्टेंसेस 90 ओम आ जाएगी क्लियर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ अब आपने जो नई लेंथ लेनी है वो पुरानी वाली के हाफ है यानी कि एल डैश इज इक्वल टू एल बाई टू आएगा इनिशियल लेंथ और इनिशियल एरिया हमेशा आप एल और ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास जो न्यू लेंथ आएगी दैट इज इक्वल टू एल बाई टू पिछले में इंक्रीज करती यहाँ पे हम हाँ डिक्रीज कर रहे हैं तो एल बाई टू आ जाएगी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर एंड वट इज़ द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस तो नई रेजिस्टेंस निकालनी है वो तो आपने जैसे निकालने के लिए मैंने बोला वैसे ही आप निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे देखिए रेजिस्टेंस इनिशियल जो है वो सिक्सटीन ओम है तो मेरे पास इनिशियल इक्वेशन बन जाएगी सिक्सटीन इज इक्वल टू रो एल बाई ए दट इज़ योर इक्वेशन नंबर वन एंड इट इज़ योर इनिशियल रेजिस्टेंस ओके सो इन दिस केस द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय हाफ तो नई लेंथ जो है वो पुरानी के एल बाई टू आ जाएगी नई रेजिस्टेंस आर डैश लिखेंगे विच इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश अब यहाँ पे आपको एल डैश अगेन गिवन है अब आपको क्या चीज़ निकालनी है एरिया निकालना है तो जब आप एरिया निकालेंगे एरिया निकालने के लिए अगेन आपको वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा वॉल्यूम का इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम आ गया यहाँ से ए डैश की वैल्यू आपके पास ए एल बाय एल डैश आ जाएगी सिर्फ आपने एल की वैल्यू पुट की विच इज़ इक्वल टू एल बाय टू नाउ ए डैश इज इक्वल टू टू एल अगर नई लेंथ जो है वो एल बाय टू डिक्रीज़ हो जाएगी घटेगी तो एरिया बढ़ेगा ये वन बाय टू टाइम रिड्यूस होगी तो एरिया देखो टू टाइम्स इंक्रीज हो गया तो वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना तो यहां से नई रेजिस्टेंस रो मटेरियल सेम है तो वो रो ही रहेगा रेजिस्टिविटी सेम आएगी एल डैश की वैल्यू एल बाई टू अपॉन ए डैश की वैल्यू टू ए फॉर्मूले में मैंने डायरेक्ट डाल दी तो इन फ्रॉम दिस यू विल गेट वन बाय फोर रो एल बाय ए रो एल बाय ए फ्रॉम दिस इक्वेशन इज इक्वल टू सिक्सटीन तो आप यहां पुट करेंगे तो वन बाय फोर इन टू सिक्सटीन दैट इज इक्वल टू फोर ओम ठीक है तो नई रेजिस्टेंस फोर ओम हो जाएगी अब नेक्स्ट पार्ट जो आपसे पूछा है जो आपने ध्यान रखना है इसमें बोला परसेंटेज चेंज निकालना है तो आपको पता है चेंज दो तरह से हो सकते हैं रेजिस्टेंस में निकालना है अब पुरानी रेजिस्टेंस थी सिक्सटीन ओम और नई रेजिस्टेंस आ गई फोर ओम तो दो ही केसेस हो सकते हैं या तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकती है या रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी यहाँ पे पुरानी ज़्यादा है और नई वाली वैल्यू कम है तो ऑब्वियस यही बात है आपकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है घट रही है तो आप निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज़ ठीक है अगर पहले वाली फोर होती है और बाद वाली सिक्सटीन होती है देन यू विल राइट द परसेंटेज इंक्रीज़ तो आप परसेंटेज इंक्रीज़ लिखते हैं ठीक है तो अब आपने क्या निकालना है परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज का मतलब यहां पे आपने खुद देखना है कि क्या चीज हो रही है तो आपने कंपेयर करना है तो हमें दिख रहा है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है वो है वो डिक्रीज डिक्रीज हो रही इज़ अ इन द तो हम क्या निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज ठीक है ध्यान रखना आपने क्या चीज निकाली है यहां पर क्या चीज निकलेगी परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ओके तो आपने ये चीज निकाल ली है अब आपने इलेवेंथ में भी पढ़ा होगा जब हम डिक्रीज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं अगर डिक्रीज हो रहा है तो आर जो है मेरे पास इनिशियल है आर डैश को मैंने फाइनल लिखा है घट रही है तो आप क्या करेंगे बड़े वाले नंबर से छोटे को ही माइनस करेंगे बिगर टर्म से स्मॉलर टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे बिगर टर्म जो है दैट इज इनिशियल रेडियस एंड स्मॉलर टर्म इज फाइनल रेडियस तो आप लिखेंगे इनिशियल रेडियस सॉरी रेजिस्टेंस माइनस फाइनल रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा ठीक है अगर और नीचे हमेशा इनिशियल रजिस्टेंस ही आता है इलेवंथ में भी आपको फॉर्मूले करवाए थे सपोज यहाँ पे ऐसे होता है कि इनिशियल रजिस्टेंस फोर होता है और फाइनल रजिस्टेंस आपके पास सिक्सटीन होता तो आप निकालते परसेंटेज इंक्रीज इनिशियल फोर और फाइनल रजिस्टेंस आपके पास सिक्सटीन है तो बढ़ रही है तो आप लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन द रजिस्टेंस तो जब आप परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे तो फिर यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होगा क्योंकि इनिशियल तो फोर है फाइनल आपके पास सिक्सटीन है तो आप ऊपर क्या लिखोगे बड़े वाले टर्म से छोटे को ही सब्ट करना है तो फॉर्मूला चेंज रहेगा तो इन दैट केस यू हैव टू राइट फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रजिस्टेंस और डिनोमिनेटर में ऑलवेज इनिशियल रजिस्टेंस ठीक है आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं जब भी अगर इंक्रीज हो रहा होगा रेजिस्टेंस बढ़ रही होगी बाद में बढ़ेगी तो आप निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज दैट इज़ इक्वल टू फाइनल रजिस्टेंस माइनस इनिशियल रजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रजिस्टेंस और अगर घट रही है जैसे इस केस में डिक्रीज़ हो रही है तो आप निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज तो परसेंटेज डिक्रीज़ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अब ये वाले बड़ा वाला नंबर आएगा इनिशियल रजिस्टेंस माइनस फाइनल रजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रजिस्टेंस यहाँ पर हमेशा इनिशियल ही होता है ठीक है यहाँ पर इनिशियल है और यहाँ पर कौन सा है मेरे पास फाइनल है ठीक है इन टू हंड्रेड आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने इनिशियल और फाइनल की वैल्यू डाली अपॉन इनिशियल ये आ गया इसको सॉल्व किया तो मेरे पास परसेंटेज डिक्रीज हुआ वो कितने का आया सेवेंटी फाइव परसेंट का आया क्लियर सो दिस इज योर नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वायर दी है ठीक है व्हिच इज स्ट्रेस्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई टेन आपने उसको खींचा और उसकी लेंथ को आपने टेन इंक्रीज कर दिया ठीक है आपने परसेंटेज इंक्रीज निकालना है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि इंक्रीज निकालना है तो अगर इंक्रीज निकालना है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली तो 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 बात है फाइनल रेजिस्टेंस यानी कि आर डैश बड़ा होगा और आर जो है वो छोटा होगा तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा आर डैश माइनस आर अपॉन आर ठीक है ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास देखो आर डैश माइनस आर फाइनल क्योंकि इंक्रीज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू हंड्रेड ठीक है अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया है सिर्फ सिर्फ क्या चीज़ बोलिए कि लेंथ जो वो टेन परसेंट इनक्रीज़ हुई है ना आपको ये बोला है कि इनिशियल लेंथ कितनी है कुछ भी नहीं है तो आपके पास यहाँ पे एक फॉमूला बनेगा आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू हंड्रेड एल्शियम जब आप सेपरेट करेंगे तो आर डैश अपॉन आर माइनस वन इंटू हंड्रेड बन गया तो आपको कहीं से आर डैश बाय आर की वैल्यू बनानी है ठीक है आर डैश बाय आर आ गया तो आप परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हो तो सारा काम हमने उसी पे करना है तो सबसे पहले हमने लिख दिया इनिशियल रेजिस्टेंस जो है जैसे लिखते हैं रो एल बाय ए ठीक है अब यहां पे आपको बोला है कि जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो जो नई लेंथ है वो इट्स लेंथ इंक्रीजेज इट्सेंट पुरानी लेंथ जो है वो तो होगी होगी लेकिन उसका टेन परसेंट इंक्रीज करेगी ठीक है जैसे पुरानी उसकी एल है तो उसका टेन परसेंट और बढ़ेगी तो एल में आपने एल का ही टेन परसेंट डाल लें ठीक है तो एल तो आपके पास होगा नई लेंथ में एल तो होगा ही होगा और एल में क्या चीज बड़ी स्ट्रेच की ना कितनी लेंथ बढ़ी है एल का ही दस परसेंट तो एल वैसे रहा प्लस टेन परसेंट ऑफ एल ठीक है तो यहां पे मेरे पास टेन बाई हंड्रेड इन टू एल आ गया इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहां से एल डैश बाई एल इज इक्वल टू इलेवन बाई टेन विच इज इक्वल टू वन पॉइंट वन आ गया ये ध्यान रखना है ये पॉइंट क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल में ही गिवन है ठीक है इंक्रीजेज इट्स लेंथ बाय टेन परसेंट टेन परसेंट जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी उसका भी टेन परसेंट बढ़ा तो ये मैंने डाला यहाँ पे ठीक है अब आपने एरिया निकालना है रेशो तो आ गई अब आप एरिया निकालोगे तो फिर से वही वाला फार्मूला यहाँ से ए डैश बाई एज इक्वल टू एल बाय एल डैश आ जाएगा क्लियर तो यहाँ से ए डैश बाय ए जो है वो एल बाय एल डैश के बराबर आ गया अब आपने फाइनल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस करनी है क्योंकि मुझे क्या चाहिए लास्ट में ये जो आपको बताया है एक फॉर्मूला इसमें आर डैश बाय आर चाहिए मुझे क्लियर तो यहाँ से मेरे पास आर डैश की वैल्यू रो एल डैश बाय ए डैश और आर डिनोमिनेटर में रो एल बाय ए आ जाएगा यहाँ से रो और रो कैंसिल आउट हो जाएंगे यू विल L L A A तो L L आपने सॉल्व किया है ए अपॉन ए डैश यहाँ से देखो ए डैश अपॉन ए किसके बराबर है एल अपॉन एल डैश तो ये उल्टा आएगा ठीक है यहाँ पे ए डैश बाई ए है वो एल बाय डैश आएगा वो यहाँ डलेगा ठीक है तो ये क्या बन जाएगा एल डैश अपॉन एल इंटू एल डैश अपॉन एल विच इज इक्वल टू एल डैश स्क्र अपॉन एल स्क् एल डैश स्केयर अपॉन एल की वैल्यू आपके पास गिवन है ठीक है तो ये आर डैश अपॉन आर वन पॉइंट वन का होल स्क्वेयर बनेगा ठीक है? तो है, R R है तो आपने परसेंटेज इंक्रीज निकाला यहाँ से आर डैश बाई आर की वैल्यू वन पॉइंट टू वन माइनस वन इन टू हंड्रेड विच इज इक्वल टू ट्वेंटी इस तरीके से आपने ये वाले सम करने हैं ठीक है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाला ध्यान रखना है है ठीक अब नेक्स्ट कुछ कंसेप्चुअल हमने डिस्कस करने थे यहां पे मेरे पास गिवन है यू हैव टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ वन ऑफ कॉपर एंड द अदर ऑफ मैगनैनियन हैव द सेम रेजिस्टेंस विच वायर विल बी थिकर ठीक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन तो आपके पास टू वायर्स है एक कॉपर है एक मैगनैनियन है तो आपने ध्यान रखना है कॉपर जो है ना जो अब मैगननिन है निक्रोम वायर्स दी होगी तो आपने ध्यान रखना है कि कॉपर की रेजिस्टिविटी जो है वो सबसे कम होती है वैसे तो सिल्वर भी लेते हैं सिल्वर की सबसे कम होती है पर यहाँ पे सिल्वर हम यूज़ नहीं करते मैक्सिमम जो हमारे पास कॉपर से डील करना पड़ता है हमें तो सबसे कम रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो कॉपर की होगी ये आपने खुद ध्यान रखना है ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास गिवन क्या है न्यूमेरिकल में क्या गिवन है दोनों वायर्स हैं उन दोनों की लेंथ इक्वल है और दोनों वायर की रेजिस्टेंस भी यहाँ पर सेम ही दी है तो आपको सिर्फ लेंथ और रेजिस्टेंस सेम दी है इसके बेसिस पे आपने बताना है कौन सी वायर थिकर है थिकर ठीक है मतलब आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताना है किस वायर का ज़्यादा है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वो वायर उतनी ज़्यादा थिकर होगी तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए ठीक है यहाँ से जो चीज़ गिवन है कि आप देखो लेंथ भी सेम है रेजिस्टेंस भी सेम है तो लेंथ और आपके पास लेंथ और रेजिस्टेंस सेम है दो इक्वेशंस में जब आप बनाओगे तो ये तो कॉन्स्टेंट टर्म से इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा तो ये मैंने हटा दिया तो आपके पास सिर्फ क्या बचा रो और ए ही बचा तो यहाँ से ये दोनों इक्वेशन अगर आप कॉपर की बनाओगे और अगर आप मैगनानियम की बनाओगे तो, तो दोनों में आर आर एल सेम ही रहेगा ठीक है तो अगर आप सिंपल रेशियोज़ की फॉर्म में निकालोगे तो रो और जो आपका एल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ रो और एरिया का ही रिलेशन बचेगा तो यहाँ से मैंने इनको प्रपोशनल डी साइन से हटा दिया तो मेरे पास रो इज़ प्रोपोर्शनल टू तो ए आ गया ये दोनों तो कांस्टेंट टर्म्स है तो कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी से रिमूव किया यानी विल हैव रो इज़ प्रोपोर्शनल टू ए यानी कि जिस भी वायर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा होगा यानी कि वो वायर थिकर होगी तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर जो है दैट इज लेस एज कंपेयर टू रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नेलियन देअर फोर डायरेक्शन है अगर रेजिस्टिविटी कॉपर की कम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉपर का भी क्या होगा कम होगा एज कम्पेयर टू मैगनैनियन के यानी कि एरिया ऑफ मैगनैनियन इज मोर एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ कॉपर सो मैगनैनियन वायर इज़ मोर थिकर क्लियर अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ये दिया है टू वायर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया वन ऑफ कॉपर एंड द अदर ऑफ द मैगनैनियन हैव द सेम रेजिस्टेंस विच वन विल बी लॉन्गर ठीक है आपने यहाँ पे क्या चीज़ दिया अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस सेम दी है तो आप फिर से फॉर्मूला लिखोगे अब यहाँ पे एरिया और रेजिस्टेंस सेम है तो आप इन दोनों को कांस्टेंट से रिमूव करेंगे तो आपके पास सिर्फ बनेगा रो और एल साथ में ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं तो मैंने यहाँ से कांस्टेंट टर्म हटा दिया तो रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ये नीचे चला जाएगा तो इन दोनों का आपस में इन्वर्स लेशन आएगा तो कॉपर की रजिस्टिविटी कम है और मैगनैनियम की रजिस्टिविटी ज्यादा है तो आपको बताना कौन सी वायर लॉन्गर है किसकी लेंथ ज्यादा है तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी लेंथ कैसी होगी ज्यादा होगी तो कॉपर की कम है यानी कि कॉपर की लेंथ जो हुआ एज कम्पेयर टू मैग्नेनिन के क्या होगी ज्यादा होगी तो कॉपर कैसा होगा लॉन्गर एज कम्पेयर टू मैग्नेनिन के क्लियर नेक्स्ट आपके पास दिया है द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल हाउ इज द ड्रिफ्ट फिलोस एंड एल इज हाफ ड्रिफ्ट लॉस्टी में क्या फर्क पड़ेगा जब आप वी को डबल कर दोगे और एल को हाफ कर दोगे तो सबसे पहले आप ड्रिफ्ट लॉस्टी का फॉर्मूला लिख लो अब इसमें देखो कहीं पे भी वी और एल नहीं है तो आपने सबसे पहले जब फॉर्मूला लिखना है तो उसको वहीं पे स्टिक नहीं हो जाना है आपने देखना है क्या वो फर्दर सिंपलीफाई हो रहा है क्या उसमें से कोई और टर्म्स उसकी डिपेंडेंसी में आ सकती है तो यहाँ पे देखो जब हमारे पास ई e है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि E किसके बराबर होता है डी वी बाई डी आर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो नेगेटिव साइन इंक्लूड नहीं किया मैंने ठीक है सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो डी वी बाई डी आर के बराबर होता है जिसको हम वी बाय भी लिखते हैं तो ई कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज वी बाई एल ठीक है वी बायल लिख सकते हो आप इसको तो यहां से मैंने ई e को चेंज कर दिया और ई e की जगह मैंने क्या लिख दिया वी बाय ठीक है तो जब आप इसको चेंज करोगे तो वी डी इज इक्वल टू ई टाव बाई एम वी बाय आ जाएगी ठीक है तो यहाँ से मैंने वहां पे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि क्या होगा अगर आप वी को डबल कर दोगे और लेंथ को हाफ कर दोगे अब ड्रिफ्ट लॉसिटी में देखो अगर आप यहीं तक छोड़ देते हैं तो यहाँ पर वी और एल तो है नहीं तो आपने बोला था कि ड्रिफ्ट लॉसिटी डिपेंड नहीं करती है पर नहीं आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपलीफाई करने पर हम यहाँ पहुंचे तो जब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे v को डबल कर दोगे लेंथ को हाफ कर दोगे तो टू टू इंटू फोर और ये टर्म्स अलग ये कौन सी वाली वैल्यू आ जाएगी ये आपकी पुरानी वाली ड्रिफ्ट फिलोसिटी है देखो तो जब आप ये दो चीजें करोगे तो नई ड्रिफ्ट फिलोसिटी जो है वो पुरानी के टाइम्स क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी तो आपने ध्यान रखना है कि आपने फॉर्मूले को फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते हैं ठीक है ऐसे करना है अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके पास द पोटेंशियल डिफरेंस बी इज अप्लाइड टू द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल डायमीटर डी हाउ आर द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्रिफ्ट फील्डी एंड रेजिस्टेंस अफेक्टेड आपने V अप्लाई कर दिया कंडक्टर पे जिसकी लेंथ L है डायमीटर उसका D है आपने बताना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और R, रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट होंगे ये तीन चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये ये और ये क्या फ़र्क पड़ेगा जब आप V को पोटेंशियल को दुगना करोगे लेंथ को डबल करोगे और डायमीटर को डबल करोगे ठीक है ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है आपने खुद करना है तो सबसे पहले आपने इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज पे चेंज देखना है जब आप इन तीन में चेंज करोगे तो सबसे पहले आपको इन तीन का क्या बनाना पड़ेगा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा तो मैंने फॉर्मूला बनाया सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड का तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला होता है डी वी बाय डी आर जिसको हम वी बाय एल भी लिख सकते हैं जिसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ई e का फॉर्मूला वी बाय एल है तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा जब आप वी को डबल कर दोगे ठीक है तो दिख रहा है यहाँ पे V को डबल करोगे आप V डबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी ठीक है ये यह आपने यहाँ से देखना है सेकेंड पार्ट में पूछे कि अगर लेंथ को डबल करोगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा तो अगर लेंथ को आप डबल कर दोगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो हाफ हो जाएगी यानी कि फर्क पड़ता है ठीक है थर्ड पार्ट क्या है डाया को अगर आप डबल करोगे तो डाया तो यहाँ पर है ही नहीं तो डाया के चेंज होने पर ई e पे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे करना है आपने ठीक है इस ई e पे वी एल और डायमीटर के चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा ऐसे करना है फिर दूसरा पार्ट क्या ड्रिफ्ट ड्रिप पे क्या फर्क पड़ता है तो ड्रिफ्ट फिलोस्टी का फॉर्मूला ये है उसको फर्दर सिंपलीफाई करने पे हम यहाँ पहुँचते हैं तो अब इस पे देखना है कि वी को बदलोगे तो क्या होगा एल को बदलोगे तो क्या होगा और अगर डी को बदलोगे तो क्या होगा तो आपने यहाँ पे भी देखना है रेजिस्टेंस ये है रो एल बाय ए को फर्दर हम चेंज कर सकते हैं उसको पाई पाइया स्क्वायर लिख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे देखना है ठीक है तो यहाँ से आप देखोगे अगर वी को चेंज करोगे तो क्या होगा तो कुछ बच्चे लिखते हैं वी इज इक्वल टू आर इज़ इक्वल टू जी वी बाय आई भी तो होता है ठीक है तो आपको मैंने पहले ही बताया था आर जो है वो वी बाय आई जो है वो ओम्स लॉ है ठीक है जो कि कॉन्स्टेंट है उसमें आर कॉन्स्टेंट है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द करंट वो कर, उन दो फैक्टर्स पे डिपेंड ही नहीं करता वो सिर्फ डिपेंड करता है इन पे लेंथ पे एरिया पे मटेरियल पे और टेम्परेचर पे इन चार में फ़र्क आएगा तो आर में फ़र्क आएगा वी आई में फर्क आ रहा आने दो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो आपने यही वाला फॉमूला अप्लाई करना है उसमें आर कॉन्स्टेंट होता है तो यहां से आपने इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज पे देखना है कि वी बदलोगे तो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा इस पर ठीक है एल बदलोगे तो हाँ जी फ़र्क पड़ेगा डायमीटर चेंज होगा तो रेडियस में साथ रिलेशन है उसका अगर डायमीटर में चेंज आएगा तो रेडियस में भी चेंज आएगा रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा तो ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है ठीक है जो आपने करना है